हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त हरीश और आज आपको इनानसिया होटल जहाँ मैं दो दिन से यहाँ रुका हूँ, तो ये होटल इनानसिया होटल है और इनानसिया होटल के भाई साहब आपको मिलाता हूँ। सर आपका नाम क्या है? एंथनी। एंथनी एंथनी सर को आप कभी भी गोवा आइए, कलंगुट बीच पर सबसे वॉकिंग डिस्टेंस पर सबसे नज़दीक जो होटल है इनानसिया होटल। मैंने दो दिन रहा यहाँ पे, होम स्टे की तरफ यहाँ पे सर्विस है उनकी एक परिवार की तरफ। तो आप कभी भी आइए, ये होटल का विजिट करना मत भूलिएगा। कलंगुट और बागा बीच के लाइन में ही पड़ता है, तो कलंगुट बीच के एकदम नज़दीक है। आप एक मिनट दो मिनट में आप वॉकिंग डिस्टेंस में आप बीच पर पहुँच सकते हैं। तो आपको कभी आना रहता है तो यहाँ पर आप विजिट करिएगा और किराया भी कम है और आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर। और बढ़िया रूम का टूर मैंने आगे आपको बताया, तो वो रूम था पूरा, तो बढ़िया सर्विस है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों पीछे दिखाया है वो होटल इनानसिया होटल था। यहाँ से आप जब पंजी से आओगे तो यहाँ से आपको नज़दीक गिरेगा और ये होटल्स है उस साइड। और एक सामने एक A1 पंजाबी नाम का होटल है, वहाँ पे आपको डिनर लंच जो भी करना रहेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा और वो भी आपको रूम पे कुरियर सर्विस भी देता है। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा कलंगुट बीच पर, तो दिखाते हैं हम आपको कलंगुट बीच यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे कितने हैं। चलो मेरे साथ। तो गैस होटल के सामने से ही ये रास्ता गिरता है और ये रास्ता सीधा बीच की तरफ जाता है। तकरीबन 5 मिनट डिस्टेंस है वॉकिंग डिस्टेंस, तो आप यहाँ से वॉकिंग करके जा सकते हैं विदाउट एक्टिवा वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ से डायरेक्ट आपको कलंगुट बीच पर जा सकते हैं। बहुत ही छोटा सा रास्ता है। तो गाइस यहाँ पे इर्द गिर्द ऐसे काफ़ी सारे होटल्स हैं, एक होम स्टे है और यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, लेकिन ये मैं जहाँ रुका हूँ वो वाला होटल बात ही अलग है। तो दोस्तों ये बात बात में ही देखिए कि बात करते करते 5 मिनट में ही हमारा सामने कलंगुट बीच आ गया है और देख सकते हैं आप यहाँ से ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। तो दोस्तों फाइनली कलंगुट बीच पर आ गए और आप देख सकते हैं बीच का नज़ारा यहाँ से, बहुत ही बेहतरीन बीच है। यहाँ से आपको अच्छे से नज़ारे देखने को मिलेंगे। बागा बीच जाएंगे आपको तो वहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड मिलेगा आपको, लेकिन कलंगुट बीच पर आपको थोड़ा क्राउड कम मिलता है यहाँ पे, तो इसी वजह से आपको यहाँ और भी आपको साइटिंग करने के लिए और भी अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों कलंगुट यहाँ पे आप काफ़ी सारे बीच है, यहाँ पे आप कुछ ऑर्डर करवा के यहाँ पे बैठ सकते हैं और कोई चार्ज नहीं रहेगा बैठने का, आपको कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पे आधा घंटा एक घंटा आपको बैठने को मिलेगा। तो ये पूरा बीच का नज़ारा था, यहाँ पे बीच से काफ़ी है, आप यहाँ पे एकदम शांत माहौल में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आइए कभी इनानसिया होटल की विज़िट करने के लिए, तो आपको बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा। मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनानसिया होटल का, आप भी आइए और यहाँ पे कलंगुट बागा बीच का एक्सपीरियंस करके जाइए, मज़ा आएगा आपको। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ब्लॉग में नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।